हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोरी फैशन डिजाइनर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे प्रिंटेड कुर्ती का एक बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल राउंड नेक डिजाइन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरी प्रिंटेड कुर्ती है जिस पे मैं नेक बनाऊंगी, और ये मैंने डिजाइन बनाने के लिए अलग से कपड़ा लिया है। इस कपड़े में से मैंने 2 इंच चौड़ी ये पट्टी काटी है, और ये मैंने सीधे कपड़े में से ही काटी है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 1.5 से 2 मीटर रखी है। अब इस पे एक पैर का मार्जिन दबाते हुए इस पे सीधी सिलाई लगा लेंगे, और ये सिलाई लगाने के बाद में अब इसको हम सुई धागे की मदद से सीधा करेंगे। इस तरीके से यहाँ से बांध देंगे और सुई को हम उल्टी साइड से ऐसे डालेंगे। अब इसको देखिए, हम कपड़े को ऐसे खींचते जाएंगे यहाँ से, और पट्टी को भी आगे की तरफ इस तरीके से हम खींचते जाएंगे। तो ये हमारी पट्टी है जो सीधी हो गई है। अब इस पे हम प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने से इस तरीके से जम जाती है। अब हम इसको अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये कुर्ती का फ्रंट वाला भाग लिया है, ये इसका 20 सेंटर है, और 20 सेंटर से 3-3 इंच हम दोनों साइड में इस पे मार्किंग करेंगे। टोटल हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 6 इंच, और ऊपर से भी हम 2.5 से 3 इंच छोड़ के फिर मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर टोटल लंबाई 16.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, 2 से 2.5 इंच मैंने ऊपर से छोड़ के इस पट्टी को अटैच किया है, और यहाँ से हम इसके कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मशीन को उठाते हुए हम इसे घुमाएंगे। अब फिर से यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने एक साइड पे सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट कर देंगे। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा के तैयार कर लेनी है। ये मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम एक पट्टी और अटैच करेंगे सेम इसी तरीके से, और इसमें हम लगभग 1.25 इंच का गैप रखते हुए इसको अटैच कर रहे हैं। आप चाहे तो 1 इंच का भी रख सकते हैं इसमें गैप। ये देखिए, सेम इसी तरीके से हम कोने बनाएंगे जैसे हमने पहले वाली पट्टी में बनाए हैं, और इस पर भी हम दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हम इस पे राउंड नेक पलटेंगे। आप चाहें तो कोई दूसरा शेप का नेक भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई लगाने के बाद में एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे, और इसकी गुलाई में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब हम नेक को ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में यहाँ पे हम इस पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सुई धागे की मदद से भी तुरपाई कर सकते हैं। और ये सिलाई लगाने के बाद में हमारा जो नेक है वो बनके रेडी हो जाता है। अब हम इस पर यहाँ पर फैब्रिक बटन अटैच करेंगे इस तरीके से। तो लीजिए, नेक हमारा बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए डिजाइन के साथ। और आप इस कुर्ती की स्लीव डिजाइन देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।